नमस्ते दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों को ये एहसास नहीं है कि आने वाले दौर में आपके बच्चों के लिए कितने भयानक भविष्य की ये लोग तैयारियां कर चुके हैं, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिनको इस समय का आभास है, जिनको अवेयरनेस है, उन सभी आत्माओं को, उन सभी क्रांतिकारी साथियों को एक साथ लाना एक तरह से आज समय की सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है। और इसीलिए हम हर जिले में खुद जा करके उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इसी फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं, जो मामले की गंभीरता को समझते हैं और अपने आसपास के लोगों को बचाना चाहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने की तरफ नरेंद्र मोदी साहब और दुनिया की तमाम राजनीतिक ताकतें लगी हुई हैं। सारे के सारे जो इनके निर्णय हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि आम आदमी बर्बाद होता रहे और जो पूंजीपति हैं वो आबाद होते रहें और हमारा सारा पैसा एक बार उनके पास चला जाए, चाहे वो श्रीलंका का उदाहरण हो, चाहे वहाँ की महंगाई हो, फूड क्राइसिस हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे साइबर अटैक के लिए इन लोगों ने पहले से ही एक सिमुलेशन कर लिया हो, चाहे जबरदस्ती आपके लोगों से सर्टिफिकेट मांगना, ये सब के सब खेल उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। और इस लड़ाई को योजनाबद्ध तरीके से लड़ने के लिए अपने समाज का एक पूरी तरह से सोच विचार कर पुनर्निर्माण करने के लिए हम ऐसे जागृत योद्धाओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप लोग कल 5 तारीख को, 5 अप्रैल को रोहतक बस स्टैंड के पास हुड्डा पार्क है, वहां पहुंचिए सुबह 10 बजे। जो जनता सरकार मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग भी होगी, वहां गठन भी होगा और उन लोगों को एक विजन दे दिया जाएगा कि हमें किस मुद्दे पर किस तरह से काम करना है। तो आप लोग जो भी ये सोचते हैं कि जनता सरकार मोर्चा लोगों की आवाज़ भी बना हुआ है और ठीक काम कर रहा है, आपसे गुजारिश है आप कल पहुंचिए रोहतक में, आपका स्वागत रहेगा और इस लड़ाई को हम मिल करके जीतेंगे। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसे पीछा छोड़ने वाले हैं? जो नई महामारी की जो ट्रीटी है आ रही है, जो आगे जो WHO के अंतर्गत नया बिल जो आ रहा है, मतलब क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल, आपको कुछ लगता नहीं कि ये लोग कुछ बड़ा करने के प्लान में हैं? बट फिर भी जितना होगा हम करेंगे। मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ इसके बाद, इस वीडियो के बाद, जो इस ट्रीटी के बारे में कुछ बताएगी, जो इसकी भयानकता को दर्शाएगी। देखिए, एक चीज़ समझिएगा आप, अपने आसपास के लोगों को भी समझाना है। सरकारों के पास अपनी बड़ाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट होता है, लोक संपर्क विभाग होता है जिसको लगातार वो लोग मजबूत करते रहते हैं। तो आम आदमी से ये उम्मीद ना करे सरकार कि वो उसकी बड़ाई करेगी। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है नागरिकों के लिए तो कोई एहसान नहीं करती है, उनका काम ही ये है। उनको पैसे ही इस चीज़ के मिलते हैं, उनको सुविधाएं ही इस चीज़ की मिलती हैं, उनको चुना ही इसलिए गया है। हाँ, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उस गलती को उजागर करे, उनको सचेत रखे और उनको इस लेवल पे तैयार रखे कि अगर आप ज़्यादा बकवास करोगे तो आपको सीट से उतार दिया जाएगा। इस स्तर पर लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सरकारें बहुत ताकतवर होती हैं और सरकारें मालिक होती हैं, जबकि असली बात यह है कि जनता मालिक है और जनता ज्यादा ताकतवर है। वो एक एक बोलने वाले को इसलिए पकड़ करके दबोचना चाहते हैं कि जिस तरह से डर जो है वो संक्रमण की तरह फैलता है, वैसे ही साहस, निडरता भी इसी तरह से फैलती है। तो हम लोगों को जानकारियां देते रहेंगे, हम उनको बताते रहेंगे, सरकारें हम पर शिकंजा कसने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन हम अपने साथियों को इकट्ठे होकर के हम अपने सभी साथियों को बचाएंगे भी और इस लड़ाई को भी जीतेंगे। तो जिन जिन साथियों को ये लगता है कि जनता सरकार मोर्चा कुछ ठीक कर रहा है, वो कल पहुंचिए बस स्टैंड के पास हुड्डा पार्क सुबह 10 बजे 5 अप्रैल को। आप सभी का स्वागत रहेगा, इंतजार भी रहेगा आप सबका।